Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Hello friends, welcome back to my channel. मैं आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस बार का जो वीडियो हो रहा है वो आजियो हॉल हो रहा है. जैसे मैंने आजियो से ना कुछ चीज़ें अपने लिए परचेस की हुई थी, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं या फिर दिवाली का टाइम आ रहा है, कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो यूज़ होती हैं और वो हमेशा भी यूज़ होती हैं, तो मैंने सोचा अपने लिए परचेस कर रही हूँ तो आपसे भी शेयर कर देती हूँ. तो पूरे वीडियो में रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और जिस तरीके से सारे वीडियो को आप प्यार दे रहे हो इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा. अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, उसको जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए क्योंकि इन सब का गेटअप आपको वहाँ पर मिल जाएगा. मेरी जो फर्स्ट कुर्ती है ना वो दो पीसेस की है, यानी कि टू पीसेस की है. अब नीचे प्लाजो मिल रहा है और ऊपर मुझे ऐसे अनारकली टाइप का सूट मिल रहा है. मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आपको मेंशन हो जाएगा. ये आप कुर्ती देख लो, जो खादी कॉटन होता है ना उसमें मुझे ये कुर्ती मिली है. फ्रंट की अगर हम बात करें, फ्रंट ऐसे राउंड मिल रहा है और यहाँ सामने से हमको ऐसा ओपन सा मिल रहा है. फिर उसके बाद यहाँ पर ना रानी कलर से, यानी पिंक से कलर से ना हमको पाइपिंग मिल रही है, यानी कि यहाँ पर हमको पाइपिंग मिल रही है. पूरी कुर्ती आपको वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में मिलेगी. बहुत प्यारी कुर्ती है, बहुत ही प्यारा इसका घेर दिया है. घेर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना घेर दिया हुआ है. मैं वेयर करके बताती जा रही हूँ. नीचे साइड आप अगर देखोगे तो एक राउंड में ही ना हमको फ्लावर मिल रहे हैं, जो ऑरेंज और ग्रीन कलर, कई कलर से, वाइट कलर से, कई कलर से ना हमको ऐसे फ्लावर बने हुए दिख रहे हैं. तो बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है ये. लुक वाइज भी अच्छी लग रही है, प्राइस वाइज भी मुझे अच्छा मिला. इसकी स्लीव हमको ऐसे 3-4 मिलती है. ब्लैक कलर ऐसा होता है सबको पसंद आता है, वाइट कलर भी सबको पसंद आता है, और ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा चलता है और बहुत ही लोगों को पसंद होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुर्ती मुझे परफेक्ट लगी, प्राइस वाइज भी अच्छी लगी कि इतना हैवी सा लुक दे रहे हो. जैसे आप दिवाली में ये सब नहीं सोचते हो कि हमको ब्लैक पहनना है या वाइट पहनना है, जो अनमैरिड है उनके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन अच्छा है अगर आप दिवाली में इसको वेयर करना चाहते हो. तो इसके साथ जो हमको प्लाजो मिल रहा है वो पूरा ब्लैक कलर का मिल रहा है. घेर की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, प्लाजो का जो घेर है ना, मतलब कि ऐसी लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी उन लोगों ने लेंथ दिया है इसकी. इलास्टिक हमको दोनों साइड मिलती है, आगे और पीछे दोनों साइड मिल रही है. मुझे हल्का हल्का सा लूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि अनारकली में मैंने एम साइज मंगवाया, मुझे एम साइज मतलब हल्का सा लूज़ होता है तो वो मुझे परफेक्ट लगता है कि हल्का सा लूज़ है अनारकली में तो प्यारा सा लग रहा है. तो ये पीस मुझे बहुत अच्छा लगा. प्लाजो के साथ अगर अनारकली का सेट है तो बहुत ही प्यारा सा पीस है, अच्छा लग रहा है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है. इसमें कोई भी सिल्वर ज्वेलरी पहन लो आप या फिर कान में डाल लो सिल्वर झुमके वगैरह, कुछ भी आप ऐसा डाल लो तो बहुत ही प्यारे लगोगे. सेकेंड जो है वो मैंने ऐसा स्कर्ट मंगवाया हुआ है, ये क्रेप में है लेकिन प्यारा है स्कर्ट. आप कलर देख रहे हो, आपको कलर भी समझ में आ रहा होगा, ये बहुत प्यारा सा कलर है. इसमें है हल्की से आपको ऐसी लाइनिंग लाइनिंग से दिख रही है ना, ये ऐसा सुकड़ा सा रहता है जैसा, तो ये बहुत ही प्यारा सा आता है. ऐसे लाइनिंग आती रहती है, कपड़े की ही लाइनिंग आती रहती है तो बहुत प्यारा सा लगता है. नीचे साइड ना इन लोगों ने इस तरीके से इसको ना वहाँ पर आपको पीको करके मिलता है, तो ये ना बहुत अच्छे से फिनिश किया गया. क्योंकि क्या होता है कई बार स्कर्ट में ना नीचे लोगों ने सिलाई डाल देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें पीको करके आपको मिल रहा है, तो पीको करके मिल रहा है यानी कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दी हुई है. लास्टिक इसकी बहुत अच्छी है. मैं एक ब्लैक कलर के टॉप के साथ इसको पहन के बता रही हूँ. ये टॉप मुझे हल्का सा लूज़ होता है बट मुझे लूज़ ही मन था कि इसके साथ मैं कुछ ऐसा लूज़ टाइप का पैटर्न पहनूँ, और इसमें मैंने सिल्वर से ऐसी ज्वेलरी पहन ली है. आप चाहो मैंने कान में ऐसा कुछ नहीं पहना, आप चाहो तो सिल्वर ज्वेलरी नहीं पहनना है, सिल्वर कुछ कान के पहनने तो कान में भी आप बड़े बड़े ऐसे टॉप्स या फिर ऐसे झुमकी सी इसमें डाल लोगे तो भी बहुत अच्छे लगोगे, या बड़े बड़े से आपके पास टॉप्स हो अगर सिल्वर कलर के तो भी बहुत प्यारा लगेगा. तो ये अच्छा है अगर आप इसको घर पे पहनना चाहो, मार्केट जाते हो या फिर ऐसे नॉर्मली भी यूज़ करना है तो स्कर्ट बहुत ही अच्छा है, अच्छा ऑप्शन भी है आपके लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो. थर्ड पीस जो है वो मैंने ऐसा ब्लाउज़ मंगवाया. ये ब्लाउज़ मैंने रेड कलर का इसलिए मंगवाया क्योंकि रेड कलर ऐसा होता है कि सबको यूज़ होता है. मैं अभी कई साड़ियों में पहन रही थी रेड कलर, तो आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप जो ब्लाउज़ पहन रहे हो ये आपने कहाँ से परचेस किया है, तो मैंने आजियो से परचेस किया है. आप ये चाहो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप परचेस कर सकते हो. इसका नेक आप देख रहे हो ऐसे राउंड नेक मिलता है, इसको वोट नेक कहा जाता है. दोनों साइड से सेम मिलेगा, बैक इसमें ओपन मिलेगा. इसकी स्लीव आप देख रहे हो बहुत ही प्यारी सी स्लीव
स्लीव दी हुई है। इसका जो प्रिंट है ना, इसको ब्रॉकेट बोलते हैं, लेकिन सॉफ्ट वाला होता है, वो वाला आपको ब्रॉकेट मिलेगा, क्योंकि इसमें अस्तर इन लोगों ने ना काफ़ी अच्छा अस्तर लगाया हुआ है, कहीं से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। रेड कलर मैंने सिर्फ इसलिए मंगवाया क्योंकि रेड कलर ऐसा है ना कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी साड़ी पर पहनना होता है, तो मैंने रेड कलर ही मंगवाया। तो इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना, आपको अगर अच्छा लगता है तो रेड कलर ऑर्डर कर लो, नहीं तो कोई भी आपको पसंद है आप वो मंगवा सकते हो। अब मेरा जो लास्ट पीस है वो भी आप देखोगे तो ये खादी कॉटन जो होता है उसमें आपको ये मिलेगा। ये पूरी कुर्ती इसी तरीके से है, बहुत प्यारा सा रामा ग्रीन कलर है। मैं एक वाइट कलर के प्लाजो के साथ इसको वेयर करके आपको बता रही हूँ। इसकी अगर हम नेक की बात करें ना, तो नेक ऐसा वी नेक मिलता है, लेकिन बहुत स्टैंड कॉलर के साथ बहुत प्यारा सा लेस लगा हुआ है, और यहाँ पर एक डोरी लगी हुई है जिसमें इस तरीके से लटकन लगी है। इसको आप बांध भी सकते हो, हल्का सा बांधो तो पूरा नीचे तक आएगा, नहीं तो आपको अच्छे से बांध के अगर स्टाइल करना है तो आप अच्छे से भी बांध सकते हो। मैंने एक नॉर्मल तरीके से इसको बांध के आपको वेयर करके ऐसा बताया है। इसमें अंदर ना कमर तक अस्तर लगा हुआ है, अंदर यानी कमर तक अस्तर आपको मिलेगा, और एक ना साइड में आपको ऐसा पॉकेट भी मिलेगा, यानी आपको साइड में ऐसा पॉकेट भी मिल रहा है। वन साइडेड ही पॉकेट है, दोनों साइड नहीं है, वन साइडेड आपको ऐसा पॉकेट मिल रहा है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो नीचे साइड से जाके हल्का सा ऐसा घेर है, हल्का सा घेर है, साइड से ऐसा ओपन नहीं है, बीच से ओपन दिया गया है, यहाँ से देखोगे तो आप ओपन दिया है। इसमें प्लाजो, ये थोड़ा सा लूज़ प्लाजो था तो मैंने पहन लिया, अगर आपके पास लूज़ प्लाजो हो तो पहन लीजिए, नहीं तो आप इसके साथ स्कर्ट भी वेयर कर सकते हो, अच्छे लगोगे। तो ये बहुत प्यारा सा था। इसकी भी स्लीव हमको इस तरीके से मिल रही है, 3/4 स्लीव है, लेकिन ये आप यहाँ से देख रहे हो ऐसे राउंड सा है, और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, यानी कि डोरी वर्क हुआ है, राउंड सा है। पीस प्यारा है, पहन सकते हो, इसको कहीं पे भी जा सकते हो पहन के, ऐसा नहीं है अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं आप, आपको मार्केट जाना है या फिर कुछ भी नॉर्मली ऐसे यूज़ करना है इसको, तो पहन सकते हो। इसको घर पे यूज़ नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा चुभेगा, खादी कॉटन में है, सॉफ्ट नहीं है तो थोड़ा सा चुभता है चीज़ें, तो आप इसको बाहर जा सकते हो पहन के, अच्छे से वेयर कर सकते हो, एक सिंपल सा लुक ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी आजियो की जो मैंने पर्सनली अपने लिए मंगवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो कैसी आपको लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I